मध्य प्रदेश विधानसभा को के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। सदन के चौथे दिन की कार्रवाई सीएम शिवराज के संबोधन के साथ हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि आज हम इस लोकतंत्र के मंदिर में मौजूद हैं, लेकिन कमलनाथ मौजूद नहीं है। कांग्रेस हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन हमने आज तक इतने लचर अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं देखे। इसी दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में पदों का बंदरबांट किया गया है, कौन कितने पैसे देता है इसकी होड़ लगी है, जिसने ज्यादा पैसे दिए की पोस्टिंग हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार में कलेक्टर एसपी के तबादले के लिए भी पैसे लिए गए हैं। कांग्रेस सरकार में तबादला उद्योग चल रहा है।